हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में आप देख सकेंगे शावी और जाफरी जो कि कनाडा के एक प्राइवेट आइलैंड पर गए हैं और इसने कुछ सीन वगैरह वहाँ के दिखाए हैं। और इसके साथ साथ शावी जाफरी ने कहा था कि आज का लोग मैं इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड करूंगा। जाफरी ने वहाँ पर कुछ सीन दिखाए हैं और उसमें कहा था कि कम्युनिटी का लैंड स्ट्राइक की वजह से मैं कुछ ज़्यादा सीन वगैरह यहाँ के नहीं दिखा सकता। इसके बाद आयशा बेग ने उसके रिप्लाई में कहा था कि तुम ज़रा घर तो आ जाओ, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था और तुम इस तरह प्राइवेट आइलैंड पर चले गए हो। तो आप इस वीडियो में देखिए। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो सारे के सारे। यार ये आइलैंड चक्कर, ओफ ओफ ओफ, आज आप लोगों को डेली ब्लॉग यहीं पे मिलेगा, इंस्टा स्टोरीज। आइलैंड स्कीपिंग, हम लोगों ने जेट स्की की, स्विमिंग की, सब कुछ कर दिया, अब खाना खाने आए हैं। हम लोग सारे साथ लोगों ने शाहवीर जाफरी को कहा था कि जो मजा फ्रेंड्स के साथ होता है वो इतना बीवी के साथ नहीं हो सकता। शाहवीर जाफरी ने भी फनी इमोजीज वगैरह उस कमेंट्स वगैरह पर भेजे, जिसके बाद लोगों ने आयशा को भी टेक किया। तो आयशा ने कहा था कि इसको एक बार घर आ जाने दो, मैं इसको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, ये तो इस बार मुझसे मिला भी नहीं और इस तरह कैनेडा से वापस आकर ही वापस कैनेडा चला गया। और इसने अपने दोस्तों के साथ आइलैंड वगैरह का प्लान किया। तो आयशा बेग ने कहा था कि आप मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं गए। ब्लॉग में शाहवीर जाफरी और आयशा बेग कनाडा के एक आइलैंड पर गए थे, जिसमें शाहवीर जाफरी ने कहा था कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कपड़े वगैरह नहीं पहनते और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, यहाँ पर ये लीगल है। तो जिसके बाद आयशा बेग ने कहा था कि चलो जाते हैं वो जगह देखते हैं। तो शाहवीर जाफरी ने कहा था कि नहीं, आप मेरे साथ घर ही आ जाए, यहाँ पर नहीं जाते। तो इसके बाद शाहवीर जाफरी उस जगह पर अभी गया था अपने दोस्तों के साथ, तो इसलिए आयशा बेग उस पर बहुत ज़्यादा जेलिस भी हुई थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई थी। तो अब तक के लिए इतना ही, होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अब तक के लिए इतना ही, ओके बाय।